कड़े ठंड के साथ कोहरे की दोहरी मार ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजधानी पटना में कोहरे से निजात नहीं मिली, इसका सीधा असर यातायात पर पड़ रहा है। विजिबिलिटी दिन में भी 150 मीटर तक रहने के कारण वाहन चालक लाइट जलाकर गाड़ी ड्राइव करने को मजबूर है। वहीं आपको बता दें कि ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिख रहे हैं। तो वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक ठंड और कोहरे से निजात नहीं मिलने वाली है। तो वहीं 17 दिसंबर से कड़ाके की ठंड पड़ने के भी आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक पर्वतीय इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का असर 15 और 16 दिसंबर को बिहार के मौसम पर पड़ सकता है। तो वहीं इस दौरान हल्की बारिश होने के भी आसार है। तो वहीं आपको बता दें कि अचानक इस बढ़ते ठंड से लोग बेहाल हैं, खासकर गरीब लोग। ठंड से बचने के लिए आसपास से लकड़ी चुनकर आग जलाकर ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना का भी कुछ ऐसा ही आलम है। पटना की सड़कों पर लगातार गरीब लोग जो हैं वो ठंड में ठिठुरते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि अब मौसम विभाग ने भी अलर्ट कर दिया है, चेतावनी दे दी है कि आने वाले दिन में अब ठंड कड़ाके की पड़ सकती है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह ठंड और भी बढ़ सकती है।